के -के, जो भी इंसान दुनिया में आया है वो जाने के लिए आया है मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए ये देखो ना ये लिस्ट देखो मेरे से आप ये देखो आप ये कह रहे हो ना कि इस तरह ये, ये कितने ब्रिजेश कुमार ब्रिजेश कुमार का नाम ब्रिजेश सिंह का नाम सुना होगा आपने एक सौ मुकदमे कहा है कहाँ है एनकाउंटर करके मारा था कितना बड़ा माफिया नहीं मारा क्यों क्योंकि ये दूसरे नाम वाला है अब आप ये देखो कि दूसरे आ जाते हैं धनंजय सिंह छियालीस मुकदमे हैं जनाम अब तक तो इसको मार के इसके कम से कम तीसरी चौथी बरसी मन जानी चाहिए थी कि नहीं इसको नहीं मारा क्यों नहीं मारा क्योंकि जी ये वही वाले हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे क्योंकि उसी परिवार से आते हैं अब तीसरा नाम देखिए राजा भैया इकतीस मुकदमे राजा भैया के बारे में तो यह कि इतने जालिम है ये अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो इन्होंने एक तालाब बना रखा है जहां मगरमच्छ है ये जिंदा इंसान को मगरमच्छों के आगे डाल देते हैं इन्हें उठे इनको मारा इनको माफिया माना नहीं माना कौन माफिया मानेगा क्योंकि तुमने कहा कि आज उनकी मौत हो जाती है अगर बाकी तुम आ... एक्टिव रहे हो पिछले साल भी और मेरा ख्याल से याद है कि तुम्हारे चैनल पे भी मेरी बहुत वीडियो को लेकर वायरल हुई थी और बहुत अच्छी खासी गालियां भी खाई थी हमने भक्तों से किलो के हिसाब से कॉन्ट्रोलो के हिसाब से मोदी जी <darts> तो दो ढाई किलो खाते हैं हमने कॉन्ट्रोलो के हिसाब से खाई थी वहां पर गालियां तो जब अतीक को एनकाउंटर करके मारा गया था अतीक को मारा गया था तीन दिन पहले उसके भाई को जब बेटे को मारा गया था तब भी मैंने कहा था कि अगला नंबर अतीक का है और तीन दिन बाद अतीक को मार दिया जाता उसके भाई को मार दिया जाता पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है पुलिस की नाक के नीचे मार दिया जाता है और उस वक्त एक नारा दिया जाता है गूंज निकलती है अगला

से लोग डरते थे और खौफ का डर का आलम यह था जब शाहबुद्दीन को दिल्ली की जेल में मार दिया जाता ऐसे लगे, तो उनकी है ड्रामा करेगी या आप कहिए कि अपने नेता की मौत का बदला लेगी तो शाहबुद्दीन को दिल्ली में ही गाड़ दिया गया था यानी उसके मरे हुए जिस्म से भी खतरा था उसके बाद फिर रमजान आता है और फिर अतीक को मारा जाता है अतीक के भाई को मारा जाता और ये इतिहास की सबसे बदतरीन मौत थी जो लाइव कैमरा हुई थी लाइव में गोलियां मारी ते, गई ते, थी सवाल सवाल ये है कि कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है कह रहे हैं कि ये माफिया था मर गया कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग जश्न मना रहे हैं नहीं, कुछ नहीं कुछ सुनिए ना नहीं, कुछ नहीं, जो लोग कह रहे हैं ना उन लोगों को वो आजादी को जानते कितना है आप कितना जानते हो कौन थे मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी फ्रीडम फाइटर के पोते थे जनाब मुख्तार अंसारी अगर आपको याद हो देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी उनके भतीजे थे मुख्तार अंसारी सांसद के भाई थे

कथा मुकदमे तो हर उस इंसान पे लगते हैं जो देश की हित की बात करता संविधान की बात करता है जो आपके कहिए कि समाज की बात करता है आप ये देखो ना ये लिस्ट देखो मेरे से आप ये देखो आप ये कह रहे हो ना कि इस तरह ये कितने बृजेश कुमार बृजेश कुमार का नाम बृजेश सिंह का नाम सुनोगे आपने 106 मुकदमे हैं कहां है एनकाउंटर करके मारा कितना बड़ा माफिया नहीं मारा क्यों क्योंकि ये दूसरे नाम वाला है अब आप ये देखो कि दूसरे आ जाते हैं धनंजय सिंह छियालीस मुकदमे हैं जन्म अब तक तो इसको मार के कम से कम तीसरी चौथी बरसी मन जानी चाहिए थी कि नहीं इसको नहीं मारा क्यों नहीं मारा क्योंकि जी ये वही वाले हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे क्योंकि उसी परिवार से आते हैं अब तीसरा नाम देखिए राजा भैया इकतीस मुकदमे राजा भैया के बारे में तो यह कि इतने जालिम है ये अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो इन्होंने एक तालाब बना रखा है जहाँ मगरमच्छ है ये जिंदा इंसान को मगरमच्छों के आगे डाल देते हैं इन्हें उठे इनको मारा इनको माफिया माना नहीं माना कौन माफिया मानेगा क्योंकि किसी की हिम्मत ही सरकारी ऐसे लोगों के हाथ में अब आप तीसरे नाम पर आ जाइए ऐसे सारे के सारे उद्भान सिंह हैं तिरासी मुकदमे अशोक चंडेल हैं सैंतीस मुकदमे विनीत सिंह हैं चौंतीस मुकदमे और ब्रज ब्रजभूषण सिंह चौरासी मुकदमे चुलबुल सिंह तिरपन मुकदमे सोनू सिंह सत्तावन मुकदमे मोनू सिंह अड़तालीस मुकदमे अजय सिंह सिपाही इक्यासी मुकदमे मिंटू सिंह तेईस मुकदमे और सनी सिंह अड़तालीस मुकदमे संग्राम सिंह अट्ठावन मुकदमे चुन्नू सिंह बयालीस मुकदमे और एक और आ रहे बादशाह सिंह अट्ठासी मुकदमे कौन है सारे के सारे ये मियाँ भाई हैं कौन है ये सारे के सारे तो ये सारे के सारे माफिया हैं ये तो प्रोसेस में है ना कोर्ट में नहीं कोई प्रोसेस में नहीं है इनको तो कहा गया अपराध अपराध है क्या होगा तो इनके ऊपर होगी कानून से कोई तो तो सुनते होनी तुम बात अपनी अपनी कहते अगर होता तो इनके एनकाउंटर क्यों नहीं हुए चिन्मयानंद है आप जानते होंगे आप चिनमियानंद को देखो आप एक तमाम इनके जितने बलात्कारी है आसाराम बापू है ये तम इनको पैरोल पे मिल जाता है ये देश का माहौल खराब कर है ये वो लोग बलात्कारी एक के साथ ही हजारों हजार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद

इम्यूनिटी कम होती है मेरी पावर कम होती है मुझे भी पूरा शक है कि ये लोग मुझे भी जहर देके मार देंगे तो आजम खान तो अपने पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे ना और ये खुद मुख्तार अंसारी कह चुके थे कि मुझे भी कहीं ना कहीं जेल में मारा जा सकता है मतलब ये क्या बात हो कि जो बनाखे जो फोड़ रहे हैं लोग लोग जश्न मना रहे हैं तो वो उन... लोगों के अंदर खुशियाँ हैं लोग नहीं मना रहे आप ये कहिए कि गुफा के रेंगने वाले कीड़े वो जश्न मना रहे हैं क्योंकि जो किसी भी मनुष्य की मृत्यु पर खुश होता है मैं उसको इंसान नहीं मानती आप माफिया कैसे कह सकते हैं मैंने कहा ना वो गाजीपुर का लीडर था वो गाजीपुर के हर दिल में धड़कता हुआ एक राजा था गाजीपुर तो मैं तो बीस परसेंट मुसलमान है अब ये तो नहीं कहता सिर्फ मुसलमानों ने उनको चुना था वहाँ तो वो लोग वो आ, ये मुसलमान समाज एक ऐसा समाज है जो आधार कार्ड देख के धर्म देख के मदद नहीं करता मुस्लिम समाज सिर्फ ये देखता कि अल्लाह का बंदा है अल्लाह की मखलूक है और मेरे एरिए में और अल्लाह ने मुझे रिस्पॉसिबल कि मैं इन लोगों की मदद करूं तो मुख्तार अंसारी तो एक धड़कता हुआ दिल था और आज जिस तरह गाजीपुर में शोक की लहर है गाजीपुर ने पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर है तो वो बात दर्शाती कि वाकई मुख्तार अंसारी से लोगों को कितनी मोहब्बत थी अच्छा लेकिन सवाल यह है कि रिपोर्ट में तो ये है ना कि हार्ट अटैक से मौत हुई है देखिए लश्कर भी तुम्हारा है सरदार भी तुम्हारा तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा तो ये तो है ना, सरकार इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इनका पुलिस मंत्रालय इनका डॉक्टर इनके मारने वाले है तो रिपोर्ट भी तो यही बनाएंगे ना हार्ट अटैक तो तो का आरोप है नहीं नहीं अब एक मेरा कानून पे भाई मेरा आरोप नहीं है ये टाइम ये हिंदुस्तान टाइम्स का आरोप है ये तेजस्वी यादव का आरोप है ये इनकी मुख्तार अंसारी की फैमिली

लागू करने की तैयारी है मनुवाद को लाने की तैयारी है तो वो सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं 24 के मामले में ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लूज पड़ रहे थे इसीलिए हिंदू मुस्लिम करने के लिए और 80% को खुश करने के लिए सरकार तो ने एक बार फिर मुख्तार अंसारी को, को शिकार कर दिया मुफ्तर अंसारी के बेटे हैं उमर अंसारी उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता को जो है जेल में जहर दे करके जो है आगे बात आगे ना बात मैं भी तो यही कह रही हूँ तो उनकी फैमिली कह रही उनकी फैमिली लगातार कह रही मुख्तार अंसारी लगातार कह चुके हैं कि मुझे जेल में खाने के साथ स्लो लगातार बार बार हर बार हर दिया जा रहा था क्या उन पर कार्रवाई और आज आखिरकार मुख्तार अंसारी सो गए अमन चोपड़ा है अमन चोपड़ा ने क्या नाम है अभी जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया अमन चोपड़ा को जानते होंगे हाँ नाक का चिपड़ा हाँ उन्होंने ट्वीट जो भी है वो नाक हाँ, नाका चीपड़ा है हाँ, उन्होंने ट्वीट किया कि मिट्टी में माफिया बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल न्यूज एंकर है न, 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 बड़े न्यूज एंकर नहीं है न्याय पत्रकार नहीं 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 लुच्चे लफंगे हैं पत्रकार नहीं है ये नाक के चीपड़े हैं जो सिर्फ एक तरह का बारूद है जो भारत में माहौल खराब करने का काम करता है इसकी जबान इतनी लंबी सीधी इसकी जबान जो जाती है वो सरकार के जूते चाटने पे जाती है ये पत्रकारिता नहीं कहते पत्रकारिता आप करते हैं कि रात के इस पहर आप यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये लोग ही तो है बारूद मीडिया है ये तो अपने आपको संविधान से ऊपर समझते हैं एक बात बताइए जो बंदा ऑलरेडी जेल में पुलिस कस्टडी में

भैया पे भरोसा रखें। नहीं नहीं क्यों भरोसा के मतलब क्यों अखिलेश भैया ने क्या करा मुसलमानों के लिए टिकट तक नहीं नहीं देखिए भाई अगर वो के दाता देखिए अगर तीन चार परसेंट यादवों का नेता हो सकता है तो मुसलमानों के नेता क्यों नहीं हो सकते मुसलमान क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करते मुसलमान क्यों नहीं पीस पार्टी के सरबराह को मजबूत करते मुसलमान क्यों नहीं मुस्लिम लीग को मजबूत करते मुसलमान क्यों नहीं बदरुद्दीन अजमल की पार्टियों को मजबूत करते बीजेपी के नहीं 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 वो तो बी टीम आप कह रहे हो ना आप नहीं कह रहे हो नहीं बीटीम नहीं नहीं अगर

आ, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए भारत का माहौल बनाए रखिए सही माहौल बनाए रखिए मुझे मालूम है कि मुसलमान वैसे ही बहुत सब्र तहमुल वाला है और मा, माह रमज़ान है जो मुकदस महीना है फजीलत का महीना है रहमतों का महीना है गुनाहों से कफारा करने का महीना है तो आप अल्लाह तला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताली हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रैम फरमाए अल्लाह ताली मुख्तार अंसारी को जनतुल्फरदास में आला मकाम दे और इनकी फैमिली को सब्र जमीन अता करे हम इनकी फैमिली की जो एक दर्द है जो इनका एक नुकसान है वो तो नहीं पूरा कर सकते लेकिन हम ये ये कि हिंदुस्तान की तारीख में फिर इस तरह किसी भी मुसलमान को बलि का बकरा ना बनाया जाए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से भी अपील है कि कानून व्यवस्था है उसको आप बनाए रखें और संविधान और कानून पर जो है भरोसा रखें फिलहाल वीडियो में इतना ही धन्यवाद